मेरा नाम मुकेश अवस्थी है और हमारा यहाँ से गांव 20 किलोमीटर दूरी पे है। गांव का नाम पेंग गांव है। पेंग गांव जी, पेंग। हाँ। आपका कार्यक्रम लगा था तो मुझे, मैं हर रोज आपका कार्यक्रम देखता हूँ तो मैं जरूर देखने की इच्छा थी, चला आया। नहर शारदा नहर है, वहां से सपा सरकार में किसी की हिम्मत नहीं होती थी दिन में निकलने की। क्या था वहाँ? अरे कोई बच नहीं सकता था लूटने से, लुटेरे लगे रहते थे। आज मैं रात 12 बजे जाऊं, कोई छूने वाला नहीं है वहाँ पर। क्यों, अब क्या हो गया? कोई मिलता ही नहीं है अब, कोई नहीं मिलता है, क्योंकि बाबा जी का हंटर इतना कसके चला है कि गुंडे माफिया दिखाई नहीं देते, लुटेरे मिलते नहीं है। और सपा सरकार में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन नहर पे कोई न कोई लूटा जाता था। और मैं ये नहीं कहता हूँ सपा सरकार गुंडे माफियाओं की सरकार है, मैं ये नहीं कहता हूँ जीतू भाई गलत हैं, क्योंकि दुर्योधन के साथ कर्ण को मजबूरी में होना पड़ा था। जीतू भाई थोड़ा अंदर से खुश भी हुए कि चलो यार, कम से कम कोई महासभा में पहचान तो रहा है। जब सपा सरकार थी तो ये सपा के ही चक्कर लगाते थे, और अयोध्या हार रही है भाजपा, अयोध्या सीट हार रही है। उषा वर्मा हर कोई में जीत रही है। अयोध्या तो प्रभु श्री राम को हमने सौंप दी, आप चिंता करो, हमने काशी भी बना दी, मथुरा की बारी है। काशी में भी फाइट है, अयोध्या भाजपा हार रही है 100%। 80 बनेगा आधार, बोलो जय श्री राम, भाजपा 400 पार। सिर्फ कम्युनल करने की बातें हो रही है, सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी एक हमारे साथी कह रहे थे शारदा नहर, ये पूछ रहे शारदा नहर बनवाई किसने है, और आप खुद कितनी बार लूटे गए वहाँ पे? अरे 20-25 साल उम्र है ना, भाजपा सरकार 5 साल पहले आई है, तो 17 साल की उम्र तक कितनी बार आप लूट पड़े? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ बसपा सपा बीजेपी कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक सरकार चलती है, वो है नरेश अग्रवाल सरकार, बाकी कोई नहीं है। एक सरकार हरदोई में, वो है नरेश अग्रवाल सरकार वही चलती है। हाँ जी बोलिए, काहे परेशान हूँ मैं आपको, दे रहा हूँ टाइम, किसानों को मौका मिलेगा। नहीं नहीं, किसान को बिल्कुल हाशिए पे नहीं है, किसानों को मौका मिलेगा 40। हाँ जी जी बिल्कुल है। हाँ जी 40 सेकेंड आपके। किसानों की जो दुर्दशा है किसी से छिपी नहीं हुई है, चाहे वो कीले लगा करके पूरे देश में किसानों को रोका जा रहा हो, चाहे वो खेत पर माटी पर रह करके किसान अपनी फसल की रखवाली करता हो और आय दोगुनी के नाम पर उसको क्या मिलता है। आए दिन हम सब देखते हैं कि फसल के उसमें किसान कहीं आत्महत्या कर रहा है, या किसान का बच्चा न कभी MBBS कर पा रहा है, ना शिक्षा अच्छी शिक्षा कर पा रहा है। मैं मोदी जी की एक प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज बनवाए, लेकिन दवाइयां खत्म कर दी, डॉक्टर्स खत्म कर दिए। उन्होंने बहुत अच्छी योजना चलाई अग्निवीर, हमारे सैनिक भाई ने बड़ा समर्थन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या ISIPS को भी अग्निवीर में लाएंगे, या फिर केवल उन किसान के बेटों को अग्निवीर में लाएंगे? अगर मोदी जी में ये हिम्मत है, पूरे देश का उनको समर्थन है, तो ISPS, IPS, PPS को भी, IAS को भी तो अग्निवीर में लाइए, 4 साल नए लड़कों को रोजगार भी तो दीजिए। अब आ गई बात सबसे बड़े मुद्दे की, सांसद ने गाँव गोद लिए, एक गाँव में, ये तो दुर्भाग्य है मेरा, मोदी के नाम से चुनाव जिस तरीके से सांसद जीत रहे हैं, इनमें इंडिपेंडेंट एक भी सांसद की ये हैसियत नहीं है कि वो अपनी दम पर एक भी सीट निकाल ले। किसी भी सांसद, मोदी जी का नाम हटा दीजिए, एक सांसद सीट नहीं जीतने की स्थिति में। जितने गांव लिए, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में एक सांसद गांव में नहीं गया। आप कभी अपना एक शो उस गांव में जाकर के देखिए, जो सांसद ने गांव लिए उनकी सड़क की खस्ता हाल है, चिकित्सा शिक्षा कृषि। क्यों 400 पार की बात कर रहे हो? मैं तो कहता हूं आप 800 पार हो जाओ, लेकिन जो मुद्दों की बात है, जो नौजवानों की बात है, जो रोजगार की बात है, क्यों नौजवानों को जय श्री राम के नाम पर? मैं भी भारत माता का पुत्र हूं, मैं भी जय श्री राम, मैं सनातनी हूं, मुझे कोई सनातन से अलग कर देगा? लेकिन रोजगार की जहां पर बात आती है, आपको रोजगार देना चाहिए। आपने शिक्षा को, आपने प्राइवेट स्कूलों को ही खत्म धीरे धीरे कर दिया। ठीक, जितने डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ हैं उतने डिग्री कॉलेज शायद कहीं पे नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे नकल से पे ही डिपेंड थे, नकल ही चलाते थे, सारे ही नकल चलाते। अब क्या नकल ही चलती है? क्या नकल ही चलती थी? अब बंद हो गई, वो सब बंद हो गई, सरकार की देन है। इतने नकल सपा नहीं, आप तो ऐसा बता रहे हैं नकल को, इतने गौरवान्वित होकर बता रहे जैसे लग रहे बड़ा मेरे ढोल डरे हैं आप लोग। हाँ जी
मैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। नहीं, मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। आप नकल क्यों करवा रहे हैं? पूरे 7 साल इनने परीक्षा ही बेच दी। पर्चा लीक, आरओ, एआरओ, पुलिस, सब कुछ लीक। अब खेल खत्म है। उषा वर्मा जीतने जा रही है हरदोई से 2 लाख वोट से। सर पुराना नेटवर्क बना हुआ, मैं भीतरी बात जानता हूँ। ये पुराना नेटवर्क बना हुआ, वही सब जानते हैं और वही करते, वही पकड़े जा रहे हैं। बहुत आराम से। बैठो। जी, क्या नाम है आपका? माधव वाजपेयी। क्या काम करते हैं? खेती। अच्छा, कहाँ है? गांव पे। नहीं, गांव पे तो होगी। अरे गमले में थोड़ी ना होगी। गांव कहाँ है? दुर्गागंज। ये कहाँ पड़ता है? बिलग्राम के पास। बिलग्राम के पास, गंगा जी का किनारा। हाँ, याद आ गया मुझे, बिलग्राम याद आ गया। वहाँ से क्रॉस करते हैं हम। जी। हमारे कैसे आ गए इधर? आपको देखने तो देख लिया। कुतुब मीनार और हमें कोई फर्क नहीं है, हैं? देख लिया आपने? अरे जिले में बहुत विकास हुआ है। अरे मैंने जो कहा हमको देख लिया। पसंद आए? बहुत अच्छे स्वागत जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि जो है लेडीज को, जो इस सरकार में जो औरतें हैं उनको जितनी ज्यादा स्वतंत्रता और जितनी आराम से हम लोग सब लोग आ जा रहे हैं, वो सापा की सरकार में नहीं था। मैं पार्लर चलाती थी और मेरे पार्लर से सापा की सरकार में 2 लड़कियां उठाई जा रही थी और मैंने कैसे उसे बचाया वो मैं ही जानती हूँ। रात के समय मेकअप के लिए आई थी लड़की और उसके साथ 2 लड़कियां आई थी और बाहर से वो लड़कियां उठाई जा रही थी, हमने उन्हें कैसे अंदर खींचा। उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी, आज तक वो बात मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ जी, आप बोलो। भैया जी, हम कांग्रेस, सपा और बसपा के नेताओं से एक ही चीज पूछना चाहते हैं। बसपा और सपा और कांग्रेस से ही काहे पूछते हो? और सर पूछा, एक सवाल ये हमारा है कि ये जो है बारात लेके आए हैं, इनका दूल्हा कौन है? हमारा दूल्हा नरेंद्र मोदी है। आपका दूल्हा कौन है? इंडिया भाई, दूल्हा कौन है? हमारा दूल्हा जनता है और जनता भाजपा को हराने जा रही है और पीएम हम चुन लेंगे, इनको चिंता करने। लोकतांत्रिक देश में दूल्हा पहले नहीं तय होता है। ये मोदी की पार्टी में तानाशाही है और वही तानाशाही देश थोपना चाहते हैं, इसलिए पहले तय कर दिया। जब कक्षा 10 कक्षा 7 के बच्चे चिल्ला रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, इनको अब भी समझ में नहीं आ रहा, देश का मूड बन गया है, देश का भविष्य भी सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 सीटों के साथ बनने। हाँ जी, दूल्हा हमारे यहाँ दूल्हा कोई बनना ही नहीं तय है। देश का प्रधानमंत्री आज भी देश की जनता से पूछा जाए मौलिक रूप से, मौलिक अधिकारों से, देश में जितनी इसकी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस आधार पर अगर चुनाव होता है तो विश्वास मानिए देश के प्रधानमंत्री बहन जी ही बनेंगे। इसके लिए ये जो है सपा वाले बोल रहे थे गौकसी के बारे में, इनके यहाँ सरपा सरकार में 3-3 स्लाटर हाउस संडीला में लगे और किसान की बात कर रहे थे, 50,000 किसानों के पास अभी तक पहुंच चुके हैं। ये बताएं कि इन्होंने कितना दिया है विपक्ष वालों ने? आयुष्मान कार्ड के रूप में 5 लाख रुपया मिल रहा है, पंचतीर्थ का नाम, पांचों तीर्थ जो है जो बसपा वाले बेच रहे हैं, मोदी जी ने बनवाए हैं उनके स्थानों को, पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट उनके कार्यकाल में हो रहा है, जितने संसाधन का नाम तीर्थ स्थल है, चाहे वो अयोध्या हो, बनारस हो, मिर्जापुर हो, या महाकाल हो, या मथुरा हो, सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है जी। किसान भी बोलना चाहता है, किसान मैं हूँ, मैं किसान हूँ। तुम चुपचाप खड़े हो, कान दोनों खींच के एक जगह लगा दो। किसान बोलना चाहता, देखिए किसान बोलना चाहिए। मोदी जी की सरकार एक विचार को लेकर के आई थी और विचार को लेकर के 2047 में भारत विश्व गुरु बने, इसको लेकर के हमारी सरकार ने काम किया। काम क्या किया? एक 4 लाइन आपका 100 अलग होता, उस पर कविता के माध्यम से अपनी बात कहूंगा। विश्व क्षितिज पर धर्म पताका चले, पुनः हम फैर आने हैं, दीवाने हम दीवाने। क्या होता था कांग्रेस की सरकार में कि ऊंच नीच की आरी में जड़ तक समाज को काट दिया और जिसके चलते हमें शत्रु ने टुकड़े टुकड़े बांट दिया,
हम अपनी घातक भूलों को मिलकर पुनः सुधारेंगे और हार चुके जो दांव विगत में अब ना कभी हम हारेंगे। छुआछूत के मुर्दे को हम चले दफन में गफनाने हैं, दीवाने हम दीवाने। एक चार लाइन और, कांग्रेस में जो होता था कि उस समय क्या होता था कि मखमल शाही कुतिया कुत्ते नखरे कर दूध पिए और अन्न वस्त्र से वंचित बालक दिन दिन जीते हुए मरे। यह अधर्म अन्याय पाप की कठिन श्रृंखला हम तोड़ेंगे, महलों को गतिमान प्रगति पथ, गांव झोपड़ी को जोड़ेंगे, पुनः विवश वंचितों को उनका हक। चले पुनः हम दिलवाने हैं दीवाने हम दीवाने। देखिए कोविशील्ड से इन्होंने किसानों का, मुझसे गलती कभी नहीं हुई आज तक। देखिए कोविशील्ड से इन्होंने किसानों का हक दिया था, एक आम लोगों को लेकर आया था कि नहीं लगवाया? बिल्कुल, देखिए एक मुहिम चली थी, लगवा लिया। अब मन में डर बैठा है कि ऐसा ना हो हमारा भी हट फेल हो जाए। देखिए ये इसके बाद एक अभी इनका बयान आया, आपके चैनल पे भी चला हुआ है कि उससे खून के थक्के जमते हैं और मोदी ने अपनी फोटो हटवा दी। देखिए ब्रांडिंग का चेहरा है कांग्रेस पार्टी, ऐसे झूठे और मक्कारे बातों से हटकर देश में अपने जनहित के मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रही है। 2024 का चुनाव 2004 की तरह है, जो इंडिया शाइनिंग का नारा 2004 में फेल हुआ था वही नारा 2024 में फेल हो जाएगा। अभी कांग्रेस की सरकार का दो दो बूंद पोलियो का पी के सब खड़े हैं भाजपा के लोग, बोल रहे हैं मोदी जी भी दो बूंद पिए हैं पोलियो का कांग्रेस का। तब मुक्ता प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगता था, कोविशील्ड पे फोटो लगवाए हो, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, जिम्मेदारी इनकी नहीं है कोर्ट में करें। और किसान की बात करते हैं, आए दोगुनी मुद्दा पहली बार था 14 में, आए दोगुनी मुद्दा 19 में था, यानी ये मानते हैं 10 साल में किसान की आय दोगुनी नहीं हुई? ये सारा भ्रम कांग्रेस सपा और बसपा वालों का फैलाया हुआ है, कभी कोविशील्ड को लेकर फैला देते, कभी संविधान को लेकर फैला देते। अभी ये लोग कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद में यही लोग एक दूसरे के घर आएंगे, यही लोग घर आएंगे जैसे पहले घर आ चुके हैं। बाप पहले दो राजकुमार आए घूमे हार गए, फिर अलग हो गए घर आया, फिर बुआ और बबुआ आए हार गए फिर अलग हो गए, अब ये लोग फिर अलग होंगे और दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। बोलो कोविशील्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। कोविशील्ड के बारे में क्या उम्र है? हमारी अभी 16 साल की उम्र है और हम अभी स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, और आज ही हमने पढ़ा है कोविशील्ड कोई नेता की देन नहीं है, मतलब कि उसमें सर ने बताया है कि इसमें 0.007 डेथ चांस होते हैं और हर दवा में होते हैं। पैरासीटामोल डोलो जो डेली खाते हैं उसमें 0.001% चांसेस होते हैं डेथ के, और जो आपने पोलियो पिलाई उसमें भी 0.1 चांसेस होते हैं डेथ के, तो इसमें कोई मोदी जी की गलती नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष श्रीवास्तव। हर्ष श्रीवास्तव, तो क्या बताया उन्होंने? हमने आज सर से ही पूछा था कि मतलब कि जो कोविड चल रही है। सर का नाम क्या? राजेश सर, बायो लाखन वाली गली में पढ़ाते हैं। ठीक।